आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरह रहमान उरूसुल कुरान, ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ये ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है, वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है, वाकया ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुशा तोहिन कर रहा हूं कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, तगन्नू, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशहानी के साथ पढ़ो, मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में अच्छी से अच्छी आवाज में खुशहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए, हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं, हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी किरात, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है, बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है किसी चीज को नहीं सुनता, हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हो तो सुनने वाला कौन है, सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अभी मूसा शरीफ को क्या पता था कि कौन सुन रहा है, वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा एक एक कोई हुजरा ऐसे तो घर घर थे ना सहाबा के, लिहाजा हुजूर पास से गुजरे आवाज आई काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद ऊती तमिजमारन मिन मजामीर आले दाऊद, ए अबू मूसा तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे, तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है अबू मूसा शरीक अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न जाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी चार आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकायक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी का की मेराज है, वहीं इसकी पहली चार आयात में चार चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीजें। पहली आयत क्या है? अर्रहमान, एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मादा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत खुदाबंदी। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी ना करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुरत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? जब आपने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी ना फरमाए। पूछा गया क्या आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी। आप अंदाज कीजिए कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हो तो ताबे दीगरा चे रसद, हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी है। अब ये रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये शान दो अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान, और कोई मादा नहीं है जिससे दो नाम बनते हो अल्लाह के।
लेकिन यह मादा है वाहिद रहमत का कि जिससे रहमान भी है रहीम भी है। रहीम सिफत मुशब्बा है, रहमत दाइम हो जाएगी, मुस्तकिल होगी तो रहीम कहेंगे। और रहमान इसमें रहमत की है वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, हैजान की कैफियत, तूफानी कैफियत, रहमत खुदाबंदी का तूफानी जोश, वो है रहमान। आप तो रहते इस इलाके में है, आपको मालूम है अरब अगर भूखा मरा जा रहा हो तो क्या कहेगा, आना जुहान, प्यासा मरा जा रहा हो आना आतशान, बहुत गजबनाक होगा गजबान, गजबान आसिफा कुरान में आया है, बहुत गजबनाक। रहमान जिसकी रहमत जो है जोश में है, ठाठे मारते हुए समंदर के मानो। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया, अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया, अल्लाह ने। अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, वो इल्म अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अजल में, ये उसी का जहूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और दो और दूसरे इल्म है वो किसने दिए, अल्लाह ने दिए। ला यहीतुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान, नोट करते जाइए, अब चोटी की चीजें जमा कीजिए। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान, अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल यह कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया, आसमान किसने पैदा किए, जमीन किसने पैदा की, फरिश्ते किसने पैदा किए, क्या मतलब खलकल इंसान। उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमेक्स, उसकी तखलीक की मेराज, उसके तखलीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मस्जूद मलाइक बना है, वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। तो तखलीक में सबसे ऊंची तखलीक इंसान की, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान।